हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा यादव आज लेके आई हूँ एक स्नैक्स की रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ी पारा, और बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनता है, तो इसे आप बना सकते हैं क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, तो आप बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएँ। और आइए हम शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, कोई भी बड़ा बर्तन डो बनाने के लिए। और ये मैंने लिया है 1 कप मैदा, और इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। और ये मैंने लिया है 50 ग्राम से ज़्यादा चीज़, जो नॉर्मली चीज़ मिलता है वो लिया है मैंने, उसे कद्दूकस कर लिया है। अगर आपको मोज़रेला चीज़ मिले तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून मिक्स हर्ब्स, और इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा कम अजवाइन, और इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, तो ध्यान से नमक डालिए, स्वाद के अनुसार डालिए आप नमक। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बड़ा ऑयल, अगर छोटा है तो 2 से 3 ले लीजिए आप। और इसे मैं अच्छे से मसल लूँगी, मॉइन कर लूँगी अच्छे से, हाथों से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, मिला देना है, तो मैं अच्छे से मिला लेती हूँ हाथों से। और एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए आप, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है, क्योंकि अभी दिवाली आ रहा है, तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मसल लिया है, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और आप हर एक चीज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं जो चीज़ नहीं पसंद हो, आप सिर्फ नमक तेल और मैदा डाल के भी बना सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से मसल लेती हूँ। ये मैंने अच्छे से डो बना लिया है, जैसे मैंने बोला था कि मैदा तेल और नमक डाल के बना सकते हैं, चीज़ डाल के बना सकते हैं, जो मैंने डाला है चिली फ्लेक्स मिक्स हर्ब्स, आप स्किप भी कर सकते हैं या चीज़ स्किप कर सकते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ चीज़ पारा, और बहुत टेस्टी क्रंची बनता है, तो एक बार ज़रूर बनाइए। इसे अच्छे से मैंने अच्छे से डो को मसल लिया, चिकना कर लिया तेल लगा के, और ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा गीला डो है। और इसमें से हम एक बहुत छोटे बॉल के साइज़ का आटा लेंगे डो, और पेड़े बना लेंगे, और हाथों से अच्छे से मसलते हुए पेड़े बना लेंगे। और ये बहुत ही क्रंची टेस्टी और यम्मी बनता है जो चीज़ी पारा है, तो एक बार ज़रूर आप बना के देखिए। और अभी दिवाली हर एक त्यौहार आ रहा है, तो आप बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक, तो मैं सारे पेड़े बना लूँगी अच्छे से। तो ये मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं, और हम एक रोटी बेलने वाला लेंगे, और थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे। तो मैं इसके ऊपर मैदा लगा लेती हूँ, और इसे हम बेल लेंगे, और हमें चौड़ा और बड़ा बेलना है, गोला नहीं। तो मैं हाथों से अच्छे से दबाते हुए, और थोड़ा थोड़ा हम सूखा मैदा लगाएंगे, और इसे मैं बेल लेती हूँ। देखिए ये मैंने बेल लिया है, चौड़ा भी और बड़ा भी। इसके साइड से हम एक पट्टी कट करेंगे, तो मैं कट करके इसे हटा लूँगी, और इसे क्या होगा अच्छे से शेप आएगा, और पतली पतली हमें पट्टियाँ काटनी है एकदम स्क्वायर, तो मैं ऐसे पतली पतली काट लूँगी पट्टियों को। और आप अपने हिसाब से मोटा बड़ा पतला छोटा बना सकते हैं, जैसा आपको बनाना हो, या जो शेप देना आप दे सकते हैं पारा का। तो मैं स्क्वायर शेप दूँगी, तो मैं ऐसे कट कर लेती हूँ पट्टियों को, 1 इंच 1 उंगली इतना हमें कट करना है। देखिए कट कर ले रही हूँ, और साइड के हमें जो किनारे हैं वो हटा देने हैं, और चारों साइड से हमें जो साइड के हैं वो कट करके निकाल देना है। तो मैं कट करके निकाल देती हूँ, तो हम इस साइड से भी कट कर लेंगे, और इसे हम हटा देंगे, और अभी छोटे छोटे स्क्वायर जैसे कट कर लेंगे हम, और बहुत इजीली निकल जाता है ये, तो ऐसे करके मैं कट कर लूँगी। तो देखिए ऐसे छोटे छोटे हमें कट करना है, या अपना मनपसंद जो आपको शेप देना हो वो दे सकते हैं आप, तो ऐसे कट कर लेते हैं।
और बहुत क्रंची बनता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये पसंद आए रेसिपी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं प्लीज़। और मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। ऐसे तो मैंने सारे ऐसे कट कर लिए हैं, देखिए। और इसे हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें ऐसे कट कर लेना है और देखिए सारा कट हो गया है बस। और ज़्यादा पतला है और मोटा नहीं है बिल्कुल। तो देखिए ऐसे करके मैं निकाल लेती हूँ, सारा प्लेट में रख लिया है। दूसरा हम ऐसे ही बेल लेंगे और बना लेंगे। तो मैं देखिए ऐसे प्लेट में मैंने निकाले, तो मैं ऐसे करके सारे बना लेती हूँ। पारा मैंने सारे चीज़ी पारा बना लिया, तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने गैस को ऑन कर लिया था, गैस पे कढ़ाई रख के मैंने ऑयल डाल दिया था, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया अच्छा खासा। तो सारे हम जो चीज़ी पारा है इसमें डाल देंगे। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो एकदम हमें पतला बनाना है, बेलना है और कट करना है, तो एकदम पतला जितना हो सके पतला हम करेंगे, उतना ही अच्छा क्रंची और क्रिस्पी बनेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और सारे मैं इसमें डाल लूँगी जितना आ सके और फ्राई कर लेंगे। और गैस को हम हाई टू मीडियम रखेंगे और अच्छे से हम इसे क्रंची क्रिस्पी और कलर होने तक, ब्राउन होने तक, इसका कलर ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। और बहुत ज़्यादा गैस को हाई मत करिए, नहीं तो ये जल्दी से जल जाएंगे, क्योंकि इसमें चीज़ है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसे पलटते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसे। तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। आप जितना पतला बेलेंगे उतना ही अच्छे ये और क्रंची बनेंगे। तो मैं फ्राई कर लेती हूँ इसे पलटते हुए। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और क्रंची भी हो गया है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है और इसे हम निकाल लेंगे। और इसे आप नाश्ते में बना सकते हैं, जब आपका मन करे खाने के लिए तो आप बना सकते हैं। और चीज़ आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना इसका टेस्ट अच्छा आता है, और अपने हिसाब से आप चीज़ भी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो सारे मैं निकाल लेती हूँ इसमें से और बाकी के भी हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो मैं इसमें जो बाकी के हैं वो मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। तो इसमें मैं डाल देती हूँ, और गैस को मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। तो ऐसे करके हम सारे फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। ऐसे हमें कलछी से पलटते हुए पकाना है कि हर साइड से अच्छे से पक जाओ, एकदम फुले फुले बनते हैं क्रिस्पी। तो इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैंने बाकी के भी फ्राई कर लिए हैं। तो देखिए ये अच्छे से पक गया है, और थोड़ा सा इसे पकाते चलाते हुए हम और पका लेंगे पलटते हुए। तो बस अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और मैंने सारा बना लिया, तो इसे हम सर्व करते हैं एक डिश में। तो ये मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं, एकदम क्रंची और टेस्टी भी बना है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, और जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी है। और इसे आप चाय के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए जैसे स्वीट रेसिपी, सब्जी रेसिपी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर से मिलती हूँ नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।